Namaste friends, welcome to Heart and Tarot. So today we're going to talk about a minor arcana card, Nine of Cups. Aaj hum baat karenge minor arcana ke card, Nine of Cups ki. This is how the Nine of Cups is. To ab iske meaning mein jaate hain. Nine of Cups jo hai, it is known as the happy card. Ek शुभ कार्ड माना जाता है, एक अच्छा कार्ड माना जाता है. और कार्ड के जो मीनिंग है वो कुछ ऐसे हैं कि अगर आप पिक्चोरियल मीनिंग में जाएंगे तो इन तो ये आदमी के पास जो है कुछ किसी बात से वो खुश है. और कुछ ऐसा समझ लीजिए कि कुछ छुपा हुआ खजाना हो गया या कुछ छुपी हुई जो है कुछ सीक्रेट हो गया जो कि उसके काम का है, लेकिन वो किसी से बात नहीं करना चाहता उसके बारे में. उसको सीक्रेट ही रखना चाहता है. एंड तो इसलिए अगर आप देखोगे उसकी जो बाहें हैं, जो उसकी मुद्रा है, जो उसके शरीर की, वो इस तरह से बैठा हुआ है. जब हम इस तरह से बैठते हैं तो हम कहीं ना कहीं अपने हार्ट सेंटर को ब्लॉक करते हैं. और उसका ये भी मतलब होता है कि हम अपने हम कुछ जो है छुपा रहे हैं और अपने आप को पूरी तरह से खोल नहीं रहे हैं. तो नाइन ऑफ कप्स का मतलब ये है कि आपके पास कुछ ऐसा है जिसके बारे में आप किसी से शेयर नहीं करना चाहते हैं, लेकिन आप खुश हैं. आपको ये भी डर लगता है कि अगर आपने किसी से उसके बारे में बात करी तो वो जो है शायद चीज़ आपसे छीन ली जाएगी या आपसे ले ली जाएगी या फिर वो आपके पास नहीं टिकेगी. तो ओवरऑल मीनिंग का जो कार्ड है, जो नाइन ऑफ कप्स, वो कह रहा है कि एक ऐसी स्थिति जिसमें इट्स अ गुड स्टेट ऑफ माइंड, एक अच्छी एक पॉजिटिव सिचुएशन है आपकी लाइफ में. और कार्ड आपको ये कहीं ना कहीं बोलता है कि जो आपको जो मिला है या फिर जो आपके साथ कुछ पॉजिटिव इवेंट घटा है, वो चाहे इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप हो, पैसा हो, कुछ भी हो, अभी एकदम से इतनी जल्दी उसके बारे में किसी को रिवील ना किया जाए, उसको चुपचाप इन्जॉय किया जाए. तो नाइन ऑफ कप्स का क्या मतलब हुआ कि जब आपके साथ कुछ पॉजिटिव घट रहा है तो उसको चुपचाप आप जी लीजिए, अभी एकदम से शेयर मत करिए, टाइम नहीं आया इस वक्त. एंड तो कार्ड का एक और मतलब निकलता है कि आप अपने ही दुनिया में इतने ज़्यादा जो हैं बिजी रह सकते हैं या हैप्पी रह सकते हैं कि आपको बाहर इंटरेक्ट करने का दिल ही ना करे. आप जो है अपने आप को अपने दरवाजे बंद कर लो, ऐसा कुछ शो करता है. दूसरा, अगर आप देखोगे पीछे जो है नाइन कप्स पड़े हुए हैं और पीछे जो है कर्टन है, और वो कर्टन और कुछ नहीं, वो सीक्रेट है आपका, जो कि आपका अभी रिवील नहीं हुआ है. और वो सीक्रेट सिर्फ आप ही को पता है. दिस इज़ व्हाट द नाइन ऑफ कप्स स्टैंड्स फॉर, द सीक्रेट विच यू नो बट यू आर नॉट रेडी टू शेयर इट विद पीपल, बट यू आर लिविंग इट वेरी क्वाइटली एंड एंजॉयिंग इट. दैट्स व्हाट द नाइन ऑफ कप्स इज ऑल अबाउट. एंड पीछे का अगर हम कलर्स देखें तो वो येलो है. येलो मीन्स वाइटलिटी, एनर्जी, हैप्पीनेस, ग्रोथ. सो ओवरऑल जो कार्ड की जो एनर्जी है वो पॉजिटिव है. एंड जब भी आपके पास ये कार्ड आए, दैट मीन्स इट्स अ पॉजिटिव साइन, समथिंग गुड इज हैपनिंग विद यू. डोंट जस्ट गो आउट एंड जस्ट शेयर इट येट, बी केयरफुल, कीप इट विद यू, व्हेन द टाइम कम्स देन शेयर. सो दिस वॉज नाइन ऑफ कप्स. आशा करता हूँ, होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. और आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन. नमस्ते.